वेरी गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हम लोगों ने पहले वादा किया था, सेकेंड ईयर से भी वादा किया था, फर्स्ट ईयर से वादा किया था कि मैं जीएसटी पर एक लेक्चर आप लोगों को दूंगा। और सो नाउ वी आर हियर फॉर द लेक्चर ऑन जीएसटी न्यू टैक्स रिजीम व्हिच हैज कंप्लीटेड इट्स वन ईयर एंड नाउ there are many more to think about the role of GST in the economy. कहाँ तक ये successful रहा, कहाँ तक ये नहीं successful रहा, इन सब पर हम लोग बात करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। GST, Goods and Service Tax, Goods and Service Tax। देखिए दो चीज है यहाँ पर, Goods and Service Tax। तो सबसे पहले हम वो टैक्स की बात करें, फिर गुड्स की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम सर्विस की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज दैट कंपल्सरी पेमेंट व्हिच हैज नो क्विड प्रो क्वो, अर्थात टैक्स वह अनिवार्य भुगतान है जिसमें लिया तो जाता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आप कुछ भी इससे आपको प्रत्यक्ष लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की नीतियों और उनके कार्यक्रमों के माध्यम से आपको इनडायरेक्ट लाभ हो रहा है। तो टैक्स को हम कहते हैं, देखिए जब हम कोई फीस देते हैं तो उसके बदले में हम कोई सर्विस पाते हैं, जब हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसके बदले में कोई सामान पाते हैं, लेकिन जब टैक्स देते हैं तो उसके बदले में हमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए टैक्स का जो डेफिनेशन है, टैक्स इज दैट कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट व्हिच हैज नो क्विड प्रो क्वो। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि गुड्स और सर्विस, हिंदी बड़ी कठिन है, हिंदी में बहुत ज्यादा बच जाइएगा इसको, जो सरकार का ट्रांसलेशन है वस्तु एवं माल कर है, वस्तु को माल कहते हैं, तो माल एवं सेवा कर ये इंडियन बजट में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम गुड्स एंड सर्विस भी कहेंगे, वस्तु एवं सेवा कर ही कहेंगे। तो इंडियन बजट को ना ध्यान में रखते हुए हम लोग गुड्स पर टैक्स जो लगाते हैं वो राज्य सरकारें लगाती हैं और केंद्र सरकार भी लगाती है। ध्यान देने की बात है कि गुड्स पर टैक्सेस राज्य सरकारें भी लगाती हैं और केंद्र सरकार भी लगाती है, लेकिन सेवाओं पर कर केवल केंद्र सरकार लगाती है। सर्विस टैक्स इज लेवीड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसलिए वन टैक्स वन नेशन या वन नेशन वन टैक्स को रियलिटी में लाने के लिए सरकार ने गुड्स और सर्विस टैक्स जो विभिन्न सरकारों द्वारा अलग अलग ढंग से लगाई जाती थी, अपने अपने तरीके से लगाई जाती थी, उनको एक साथ मिला दिया और वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को लागू करते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। ध्यान दीजिएगा जीएसटी विश्व के 165 देशों में लागू है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करने जाएंगे तो आपको कहीं पर ये जनरल सेल्स टैक्स के नाम से मिलेगा, तो कहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से मिलेगा, कहीं पर डुअल जीएसटी के नाम से मिलेगा, तो कहीं पर आपको ये जीएसटी और वैट दोनों एक साथ दोनों रूपों में लागू। तो ये अलग अलग देशों में, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, यहां पर जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना कह करके जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है और वहां पर इसकी दर 18% है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स
is a destination based tax on consumption of goods and services. It is proposed to be levied at all stages right from manufacture up to final consumption, with credit of taxes paid at previous stage available as set forth. In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. थोड़ा समझने की बात यहाँ पर आ रही है. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, व्हाट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? अभी तक जो टैक्स लगता था वो हर स्टेज पर लगता था. हर सरकार, मान लीजिए अगर हम एक बात करें वैट की बात करें, सेल वैट की बात करें, अगर आपने एक सामान खरीदा तो सामान खरीदा मान लीजिए यूपी से, टैक्स पेमेंट फाइनल कर रहे हैं आप यूपी में, लेकिन अगर उस सामान को बनाने में लगने वाला कच्चा माल मान लीजिए बिहार से आया हुआ है या कलकत्ता से आया हुआ है, तो एक बार टैक्स वहां कलकत्ता में उसको देना पड़ेगा, यानी पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, दोबारा उसको टैक्स यूपी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी वैट दोनों जगह लगेगा. पश्चिम बंगाल में दिया हुआ टैक्स एक, अभी आप चल आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात होती थी, जब वैल्यू एडिशन पर हम टैक्स लगाते थे तो वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगने के बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे कि जो हमने पिछला टैक्स रॉ मटेरियल पर दिया है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगना चाहिए. लेकिन वैट की यह सबसे बड़ी कमी थी कि अगर दो राज्यों से आपने सामान खरीदा, पश्चिम बंगाल से सामान खरीदा और यूपी में बना करके बेच रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको यूपी में नहीं मिलता था, इसलिए डबल टैक्सेशन हो जाता था. अभी आपको एग्जांपल से जब आगे समझाएंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि यह ध्यान देना है कि दो राज्यों के बीच वैट के केस में या सेल्स टैक्स के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था. दूसरा, वैट में जब लगता था या सेल्स टैक्स जब लगता था, सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम था ही नहीं, वैट में इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम था, लेकिन वहां पर ही टैक्स ऑन टैक्स जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं वो प्रॉब्लम एक थी. इसलिए सरकार ने उन दोनों समस्याओं का निदान करते हुए यहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था को लागू किया. तो फाइनल कंजम्पशन पर अब ये जो टैक्स लगता है वो फाइनल कंजम्पशन पर लगता है. फाइनल कंजम्पशन में बेनिफिट उसी राज्य को होगा जहां पर कंजम्पशन ज्यादा होगा, यानी जहां पर उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जहां पर सेल किया जाएगा वहां पर कलेक्ट किया हुआ टैक्स केवल उसी राज्य को ही जाएगा. यानी जो बेनिफिट है वो है कंज्यूमर स्टेट को, ना कि प्रोड्यूसर स्टेट को. तो इस तरह से ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. ठीक है, अभी तक जो टैक्स स्ट्रक्चर था इंडिया में, दो तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर था, है अभी भी है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. पहले समझने वाली बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम, जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूलते, जिस पर ये इम्पोज किया जाता है उसी से वसूलते हैं. मतलब यह है कि he can't shift the tax to others. डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स को सिर्फ दूसरे पर नहीं कर सकता है जिसे लगा, जिस पर ये आरोपित किया गया, जिस पर ये इंपोज किया गया है, दैट पर्सन विल पे, सच एज इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स. दोनों टैक्स ऐसे हैं जो आपकी आय है उसी पर इंपोज किया गया और उसी पर आपको देना है. इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर्स. हम दूसरे लोगों पर शिफ्ट कर देते हैं और अल्टीमेट शिफ्टिंग किस पर जाता है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर. तो फाइनल कंज्यूमर
कंज्यूमर तक इनडायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट कर देते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द सेलर आर प्रोड्यूसर बट इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फाइनल कंज्यूमर. तो जीएसटी विल कम इन द इनडायरेक्ट टैक्स रिसीव. जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिसीव, नॉट द डायरेक्ट टैक्स रिसीव. तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? सेंट्रल टैक्स में एक्साइज विच इज इंपोज ऑन द प्रोडक्शन, सर्विस टैक्स विच इज इंपोज बाय द सर्विसेज. अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा है कि सर्विस टैक्स कौन सा ऐसा राज्य है इंडिया में जहां सर्विस टैक्स नहीं लगता? जम्मू एंड कश्मीर. वेरी गुड, वंडरफुल. कस्टम ड्यूटी तो आपको पता होगा कहां लगता है, इंपोर्ट्स पर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी. स्टेट कौन कौन से टैक्स लगाता है? वैट यानी वैल्यू एडिशन टैक्स, एंट्री टैक्स, जब एक राज्य से सामान लेकर के आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो उसको एंट्री टैक्स कहते हैं. एंट्री टैक्स differs from one state to other state. ये स्टेट का विषय है कि वो एंट्री टैक्स यानी अपने राज्य में सामान बेचने के लिए कितना रखे, ये स्टेट इस पर कानून बना सकता है. लग्जरी टैक्स, इट इज इम्पोज ऑन दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच कम्स इन द हाई क्लास आर लग्जरियस आइटम सच एज हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, बहुत महंगी गाड़ियां, बहुत महंगे होटल जैसे 5 स्टार या 7 स्टार होटल या एयर सर्विसेज, ये सब जो होते हैं ये लग्जरी टैक्स के अंतर्गत आते हैं. सिनेमा एंटरटेनमेंट टैक्स कहलाता है. सिनेमा जो आता है, मूवी जो आप देखते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स ये भी राज्य का विषय है. इंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकारें लगाती हैं, जो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपको बता दें. एंड लॉटरी टैक्स, बहुत सारे राज्यों ने अब लॉटरी टैक्स बंद कर, लॉटरी ही बंद कर दिया है तो टैक्स कहां से लगेगा, तो इसलिए अब लॉटरी टैक्स को आप केवल अभी क्योंकि सरकार ने इसको अभी हटाया नहीं है, खत्म नहीं किया है, लेकिन लॉटरी ही खत्म हो गई तो टैक्स अपने आप खत्म होने की बात आई जाती है. अगर आपको कुछ थोड़ा सा और जानना है तो आप ये जान सकते हैं कि एंट्री टैक्स की शुरुआत वर्ष 2000 में किया गया था और सेनवेट की शुरुआत, सेनवेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000, सेल्स टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 9 सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, एंड एक्साइज ड्यूटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985. एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स दो भागों में बांटा गया है. यहां हम आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी क्लियर करते चले. आप सेंटर उन्हीं विषयों पर, उन्हीं चीजों पर टैक्स लगा सकता है जो सेंटर के अधीन आते हैं. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची. सेंट्रल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर केंद्र कानून बनाता है, नियम बनाता है, और सभी राज्य उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं. सेंटर के बनाए हुए कानून ही फाइनल रूल्स माने जाते हैं, फाइनल कानून माने जाते हैं. सेंटर के विषय पर स्टेट कभी भी कोई कानून नहीं बना सकता. स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्टेट लिस्ट में
निल्सन है वो विषय पर राज्य सरकारें अपना अलग अलग अपनी विधानसभाओं के माध्यम से कानून बनाती हैं और राज्य सरकारें उसको लागू करती हैं। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बोथ कैन मेक द रूल्स एंड इट इज कंपल्सरी टू इंप्लीमेंट बाय बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर। सेंटर को भी लगाना हो मानना हो, सेंटर तो बनाया ही होता है तो सेंटर भी मानता है और इसको स्टेट भी मानने के लिए बाध्य होते हैं। यानी कंकरेंट लिस्ट पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहां पर जीएसटी को ना तो सेंटर की लिस्ट में रखा गया है ना स्टेट की लिस्ट में रखा गया है, इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। इसीलिए मैं इतनी देर से आपको बता रहा था ये कंकरेंट लिस्ट में है। यानी अभी तक जो टैक्स के कानून बनते थे जैसे सर्विस और इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स था या एक्साइज या सेवैट था तो इस पर केंद्र कानून बनाता था और स्टेट का जो कानून था जैसे वैट एंट्री टैक्स लग्जरी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी इस पर राज्य कानून बनाते थे और इन पर जो कानून बना करके लागू किया जाता था उसको मानने के लिए राज्य केंद्र बाध्य नहीं होता था। लेकिन अब कंकरेंट लिस्ट में केंद्र कानून बनाएगा और राज्य उसका अनुमोदन करेंगे। बी केयरफुल लिसन, केंद्र कानून बनाएगा राज्य अनुमोदन करेंगे इसके बाद वो लागू होगा। तो देयर इज ए लिटिल बिट ट्विस्ट इन द इंप्लीमेंटिंग दिस जीएसटी रिजीम। एक प्रॉब्लम और हुई थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी लाने का एक प्रॉब्लम यह होता था कई बार डुअल टैक्स सिस्टम लागू हो जाता था। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोडक्ट था जिस पर केंद्र कहता था दिस इज अ सर्विस सिंस सॉफ्टवेयर इज ए नॉन टेंजिबल एसेट सो इट कम्स अंडर द सर्विसेज। नॉन टेंजिबल एसेट है तो ये किसमें आएगा, सर्विसेज में, और उस पर सरकार केंद्र सरकार सर्विस टैक्स लगाती थी। एंड स्टेट्स जिस स्टेट में ये जिस स्टेट में इसकी का इसका प्रोडक्शन होता था या जो जहां से ये प्रोड्यूस किया जाता था बनाया जाता था वहां पर स्टेट कहता था सिंस यू आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स देयरफॉर इट इज ए प्रोडक्ट, आप इसको बेच रहे हैं और बेचने में ये आप कस्टमर से इसका एक दे करके सामान और ले रहे हैं। ऑल्दो इट इज ए नॉन टेंजिबल एसेट बट सिंस यू आर प्रोड्यूसिंग इन माई स्टेट देयरफॉर इट इज ए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हुआ और इस पर हम लगाएंगे एक्साइज ड्यूटी। अब प्रॉब्लम ये हुई एक प्रोडक्ट है जो सेंटर का रहा सर्विस है स्टेट का रहा है प्रोडक्ट है और उस पर दोनों टैक्स लग रहे हैं। आफ्टर कमिंग द जीएसटी दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व। अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि चलो अब इसको या तो सर्विस मान लो या गुड्स मान लो और उस पर केवल एक टैक्स लगेगा। तो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी सबसे ज्यादा सबसे डायरेक्ट बेनिफिट उसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हुआ है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, हमने जो बताया जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ टैक्स ऐसे हैं जो रिप्लेस किए जाएंगे और कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सब्ज्यूम किए जाएंगे। दोनों का अर्थ अलग अलग है इसलिए जब क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है तो आप लोग कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो फिर से ध्यान दे लीजिए, वर्ड्स क्वेश्चन को साफ करते समय बड़े मायने रखते हैं। हमने जो वर्ड्स रखे हैं
बड़े सोच के हमने नहीं रखे, सरकार ने रखे। देखिए यहां सब्ज्यूम वर्ड यूज किया गया है और पीछे वाली स्लाइड में रिप्लेस वर्ड यूज किया गया है। आप लोग जनरली पढ़ते हैं कि जीएसटी इन इन टैक्स को रिप्लेस कर देगा, इनकी जगह पर जीएसटी लगाया जाएगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको रिप्लेस करेगा, कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको सब्ज्यूम करेगा। सब्ज्यूम का मतलब होता है समाहित कर लेना, ठीक है। रिप्लेस करने का मतलब है उसको उसको हटा करके इस टैक्स को लगाया जाएगा। तो जितने भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स कॉमनली नोन एज सीबीडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, सेस ऑन एंड सरचार्ज ड्यूसो फॉर एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे टैक्स हैं जिनको रिप्लेस करेगा। एक वर्ड में सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं, दिस विल रिप्लेस ऑल दोस टैक्स व्हिच आर लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट विल सब्ज्यूम यानी समाहित करेगा all उन taxes to all those taxes which are imposed by the state governments. State government कौन कौन से tax लगाती है? State bank, central sales tax, purchase tax, luxury tax, entry tax, entry tax इन सब के बारे में मैं already आपको बता चुका हूँ पिछली slides में। Entertainment tax मैंने आपको पहले ही बताया कि entertainment tax is the subject of state government. Taxes on advertisements, hoarding, paper में जो दिया जाता है, advertisement and radio, ध्यान रखिएगा, advertisement on the दूरदर्शन and all India radio is the matter of central government. Be specific. यहाँ पर ये लिखा हुआ जरूर है और आप ये जानते हैं कि advertisement state का विषय है, लेकिन advertisement वो जो पेपर में होता है और होर्डिंग पर होता है वो एडवर्टीजमेंट स्टेट का विषय है, और जो दूरदर्शन पर होता है या ऑल इंडिया रेडियो पर होता है वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये यहाँ पर टैक्सेस ऑन लॉटरी, हमने पहले कहा लॉटरी खत्म हो गई है, बेटिंग शर्त लगाना, सट्टेबाजी जिसको कहते हैं, एंड गैम्बलिंग चुआ, बहुत फाइव स्टार सेवन स्टार में गैम्बलिंग थोड़ी बहुत हो जाती है। स्टेट से साइन सरचार्जेस, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय तो जानते होंगे, चुंगी, तो चुंगी, इन टैक्सेस को आप सब्ज्यूम करने का मतलब है कि इसको समाहित करेगा कौन? जीएसटी, जीएसटी को समाहित करेगा। चलिए जीएसटी की जर्नी ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको कैमरा मैन जूम करें और लोगों को जरा सा दिखाने की कोशिश करें। इन 2000 में पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं, पढ़ने से आपको एक हिस्ट्री पता चल जाएगी कि जीएसटी की शुरुआत हुई कैसे थी। इन 2000 पीएम वाजपेयी सेट अप ए कमेटी टू ड्राफ्ट जीएसटी लॉ। इन 2004 ए टास्क फोर्स concludes GST must be implemented to improve current tax structure. उन्होंने अपना conclusion दिया था जो कमेटी बनाई गई थी 2000 में, 2004 में उन्होंने conclusion दिया कि GST को लागू करना चाहिए, लेकिन तब तक वाजपेयी जी की सरकार 2004 में चली गई और किसकी सरकार आ गई? कांग्रेस की, बिल्कुल सही। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेड GST इंट्रोडक्शन फ्रॉम अप्रैल 2001 और इसके बाद 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू इनेबल जीएसटी लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011। ध्यान रखने की बात यह है, थोड़ा सा भी आगे आप चलते मैं आपको और बताऊंगा, इट वाज द बिल व्हिच वाज नोन एज द 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग बात करेंगे तो फिर
मेन चीजों से भटक जाएंगे। यहां ध्यान देने की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शब्द यूज किया गया है। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? हमने अभी आपको बताया कॉन्ग्रेस लिस्ट में है, केंद्र सरकार बना देगा हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों संशोधन करना पड़ रहा है, इसके लिए जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, इसके लिए इसलिए अमेंडमेंट करना पड़ा। हमने शुरुआत में ही, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि शुरुआत में ही हमने कहा था कि कुछ विषय केंद्र के होते हैं और कुछ विषय राज्य के होते हैं, तो राज्य के विषय पर केंद्र कानून नहीं बना सकता और केंद्र के विषय पर राज्य कानून नहीं बना सकता। लेकिन जीएसटी में कानून केंद्र ने बनाया और उसको जो अनुमोदित कर रहा है वो राज्य कर रहा है। यानी देखिए, हमने शुरुआत में कहा गुड्स एंड सर्विस, सर्विस इज द मैटर ऑफ सेंटर, गुड्स इज द मैटर ऑफ स्टेट। तो गुड्स पर अगर कानून बनाना है तो सेंटर ने बड़ी आसानी से बना दिया, बट सर्विस पर कानून स्टेट नहीं बना सकता। इसलिए यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि जीएसटी तभी लागू हुआ है जब सभी राज्य सरकारों ने इसका अनुमोदन कर दिया है। तो राज्य सरकारें इस पर कानून नहीं बना सकती थी, राज्य सरकारें इसको कैसे अपने यहां कानून बना करके लागू करेंगी, इसको अनुमोदित कैसे करेंगी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अमेंडमेंट लाना पड़ा। और यह बिल था 115वां, लेकिन 115वां बिल जो था वो पास नहीं हो सका। क्यों? हम 2012 में आते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बिगेंस डिस्कशन ऑन जीएसटी बट स्टोर्ड इन ओवर क्लॉज 2798 2798 बी। स्टैंडिंग कमेटी टेबल्स इट्स रिपोर्ट ऑन जीएसटी, जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जीएसटी बिल पास इन लोकसभा बट इन 2015, जीएसटी बिल पास इन लोकसभा बट नॉट पास इन राज्यसभा। और जीएसटी, यहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि 2014 में जो 115वां बिल था वो लैप्स हो गया था। कारण क्या था? 115वां बिल 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा वॉज नॉट, कुड नॉट बी पास्ड एंड इट वॉज लैप्स। क्यों लैप्स हुआ था, इसकी चर्चा अभी आगे हम करते हैं कि कोई भी बिल संविधान संशोधन बिल या कोई भी बिल कब लैप्स हो जाता है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है यहां पर। कोई भी बिल कब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी बिल कब राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और कोई भी बिल लैप्स कब हो जाता है, इसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करते हैं। इन 2015 जीएसटी बिल पास इन लोकसभा बट नॉट पास इन राज्यसभा। In 2016, GSTF goes live. 2016, the amended model GST law passed in both houses. President gives assent. राष्ट्रपति ने सहमत दे दिया। 17 में four supplementary GST bill passed in Lok Sabha and approved by cabinet. And after that, Rajya Sabha passes four supplementary GST bills. Finally, GST was implemented on July 1st. 2017, ये डेट आप याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को आखिरकार ये सभी स्टेट में लागू हो गया था। और सबसे पहला स्टेट कौन सा था जहां पर ये लागू किया गया था? कौन सा स्टेट सबसे पहला था जहां पर जीएसटी लागू किया गया था? इसलिए मैं कहता हूं आपसे ध्यान पूर्वक लेक्चर को सुनिए। असम और बिहार, फर्स्ट नंबर पर असम था और सेकंड नंबर पर बिहार था, जहां पर 2016 में जीएसटी को लागू करने की सहमति यानी नॉट
यानी आप कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव सरकार ने दिया था, तो असम पहला राज्य था जिसने अपनी सहमति व्यक्त की थी जीएसटी के साथ, और बिहार सेकेंड नंबर पर था जिसने अपनी सहमति व्यक्त की थी जीएसटी को लागू करने के लिए। लेकिन जीएसटी बिल पास होने के बाद तेलंगाना पहला राज्य था जहां पर जीएसटी को लागू किया गया था, सेकेंड नंबर पर था बिहार और पांचवें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। और आज भी जहां जीएसटी नहीं लागू है वो है जम्मू एंड कश्मीर। हाँ हाँ ये तो मालूम होगा। चलिए उस हिस्ट्री को थोड़ा और हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 122 यानी 122वां अमेंडमेंट बिल द कॉन्स्टिट्यूशन 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान दीजिए फोटोग्राफी बाद में करिएगा, जो मैं बता रहा हूं पहले वो ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल और एक्ट में अंतर होता है। जब कोई प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बिल कहते हैं, चाहे वो कानून बनाने का प्रस्ताव हो और चाहे वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव हो, जब लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बिल कहते हैं। लेकिन जब वो पास हो करके और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसको एक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बिल तो 122वां था, एक्ट 101, यानी 21 बिल ऐसे होंगे जिनको राज्यसभा ने या लोकसभा ने पास नहीं किया है, हमेशा ध्यान देने वाली बात है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बजट 2006-07 में जीएसटी बाई अप्रैल 2010 अनाउंस सब्सिक्वेंटली पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर टॉस विद ड्राइंग ऑफ रोड मैप एंड डिजाइन, अप्रैल 2008 इसी हेडेड बाय देन बेस्ट मेंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता, नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, असीम दास गुप्ता सबमिट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अगर कुछ लोग पब्लिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को जरूर नोट कर लें। असीम दास गुप्ता वाज द मैन हु हेडेड द एम्पावर्ड कमेटी ऑन जीएसटी which offers a view on comments in October and December to directors, joint working groups are then set up to examine options on exemption and threshold, taxation and service and interstate supply. November 2009, Empowered Committee releases its first discussion paper. March 22, 2011, the Constitutional 115th Amendment Bill is introduced in Lok Sabha. Is referred to Parliamentary Standing Committee on Finance, which submitted its report on August 7, 2013. Bill lies at term of Lok Sabha ended in 2014. अगर सरकार को पास ही कराना था तो इसको राज्यसभा में भी तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, वहां लैप्स ना होता। कोई भी बिल लैप्स कब हो जाता है, ध्यान दीजिए, या तो सरकार उसे वापस ले ले या संसद उसको पास ना करे या फिर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए, तीन कंडीशंस होती हैं कोई भी लैप होने की। और 115वां बिल इसलिए लैप हो गया था क्यों, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था। तो इसका मतलब है कि इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तो लोकसभा में ही इस बिल को प्रस्तुत किया गया था। Why it was introduced in लोकसभा? Because it was a money bill and money bill can be introduced only in लोकसभा, not in राज्यसभा। अपर हाउस में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो मनी बिल
होने की वजह से इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि लोकसभा ने पास नहीं किया और उनका टर्म खत्म हो गया, तो ये लैप्स हो गया। सरकार ने इसके बाद 122वां बिल लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास बाय लोकसभा 2015 विल रिफर टू 21 मेंबर सेलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा हेडेड बाय भूपेंद्र यादव। July 22, 2015 सेलेक्ट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। All 29 states and union territories will have to pass their states, and finally GST was born on 1st July 2017. Already discussed, मैंने इसको discuss कर दिया है कि why the constitutional amendment bill in parliament, संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में ही क्यों लाया, पार्लियामेंट में संविधान संशोधन बिल क्यों लाया गया था, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं जीएसटी काउंसिल पर। फोटोग्राफी से तो मैं बार बार मना कर रहा हूं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और पीछे अपनी फोटोग्राफी बंद कर दीजिए। दिस इज अ लेक्चर गोइंग ऑन, आपकी हरकतों से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप ये काम बाद में जाकर के कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल तो बिल कंसिस्ट ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए सारा पावर जो जीएसटी का है वो जीएसटी काउंसिल को दिया गया है। अभी तक टैक्स लगाने का अधिकार, टैक्स हटाने का अधिकार फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत फिजिकल FISCAL फिजिकल फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को अपने बजट के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त थे वो अधिकार अब शिफ्ट हो गए जीएसटी काउंसिल को। यानी अब यहां पर जीएसटी काउंसिल बना दिया गया है और इस जीएसटी काउंसिल को ही ये सारा अधिकार दिया गया है कि वो जीएसटी में इंप्लीमेंटेशन करे, जीएसटी को मॉडिफाई करे, बढ़ाए घटाए या किसी रेट को वो कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है या घटा सकता है। लेकिन जीएसटी काउंसिल में शामिल कौन कौन से लोग हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरमैन, रेवेन्यू मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा रेवेन्यू मिनिस्टर या कई बार हम इसको कई देशों में कहते हैं रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट राज्य वित्त मंत्री, यानी जो राज्य वित्त मंत्री होते हैं उनको कई बार हम यहां पर कई देशों में होते हैं, अदरवाइज दे आर इज रिटन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। यानी अब इसको अगर हम समराइज करें तो ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो रेवेन्यू देते हैं स्वतंत्र, या इसके बाद सभी राज्यों के वित्त मंत्री, कई बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से कई मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जो वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखते होते हैं। इन केस ऑफ दैट सिचुएशन द चीफ मिनिस्टर विल रिप्रेजेंट देयर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इसमें जीएसटी काउंसिल में कौन कौन शामिल है, फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। डिसीजन विल बी मेड बाय 3/4 मेजोरिटी ऑफ वोट कास्ट, 3/4 बहुमत से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट यहां पर है, सेंटर शैल हैव ए थर्ड ऑफ, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव कौन कितने लोग हैं, सिर्फ दो लोग, मात्र दो लोग सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो दो लोग कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रेवेन्यू, सिर्फ दो लोग। और वोट का परसेंटेज कितना है, थर्ड, वन थर्ड,
3/4 मेजोरिटी से पास होगा, लेकिन एक तिहाई बहुमत सरकार के पास अकेले है, सिर्फ दो लोगों के पास है। तो ये एक ट्विस्ट है सरकार का, ये सारा वोट तो हम अपने पास लेके बैठेंगे, जो चाहे वो करें। स्टेट साइड टूगेदर है 2/3, सारे स्टेट मिलाकर के 2/3 मेजोरिटी रखेंगे और 1/3 मेजोरिटी विल बी विद द सेंटर। Mechanism for resolving disputes arising out of its recommendations may be decided by the council itself. अगर कोई भी विवाद, कोई भी प्रॉब्लम होती है राज्य और केंद्र सरकार के बीच, कोई प्रॉब्लम होती है दो राज्यों के बीच, कोई प्रॉब्लम होती है केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के बीच या राज्यों के बीच, ऐसे केस में द जीएसटी काउंसिल विल रिजॉल्व द मैटर, इट विल बी द सुप्रीम पावर टू रिजॉल्व द मैटर। वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल, द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशंस ऑन किस किस पर, टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम, कौन से टैक्स इस पर समाहित किए जा सकते हैं, किन टैक्सेस को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है एग्जेम्प्शन, मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, थ्रेशोल्ड फॉर एग्जेम्प्शन, लिमिट कितने पर जीएसटी लागू होगा और कितने पर जीएसटी नहीं लागू होगा उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट, रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर एंड बैंड्स, स्पेशल रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, डेट फ्रॉम व्हिच जीएसटी टू बी लेवीड ऑन फूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन, फ्यूएल एंड पेट्रोल, स्पेशल प्रोविजन फॉर द नॉर्थ ईस्ट जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा, दीज आर द वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब आते हैं जीएसटी पर, जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर है कैसा। डायरेक्ट टैक्स हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो आते हैं वो डायरेक्ट टैक्स में होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, अब क्या होता है जीएसटी, तो जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होगा, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि जब आप एक राज्य का सामान वहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहीं बेच रहे हैं तो उस पर सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, यानी इसके दो पार्ट होंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एसजीएसटी, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ये तब की कंडीशन है जब आप उसी राज्य में सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी राज्य में सामान बेच रहे हैं। इंटर स्टेट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तब की कंडीशन है जब आप सामान बना रहे हैं कहीं और बेच रहे हैं कहीं और, या फिर किसी सामान को बनाने के लिए कहीं से आप रॉ मटेरियल किसी और राज्य से मंगा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट होगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कंडीशन को आपको बता दें, केंद्र सरकार को सोलेगी और कंसर्न्ड स्टेट के साथ बंटवारा करेगी। सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑलरेडी वसूलेगी राज्य सरकार, लेकिन बराबर बराबर भागों में बांट लेगी। सीजीएसटी चला जाएगा केंद्र के पास, एसजीएसटी चला जाएगा राज्य के पास। तो आईजीएसटी में कितना बंटवारा होगा, यहां बराबर बराबर हुआ, तो आईजीएसटी में इसका निर्धारण कौन करेगा, पहले से ही जीएसटी काउंसिल करती है कि आईजीएसटी में किसका कितना हिस्सा होगा। अभी की डेट में, आज की डेट में जीएसटी काउंसिल ने जो निर्धारित किया है वो ये है कि आधा आधा, आधा केंद्र को चला जाएगा और आधा राज्य को जाएगा। तो
तो सीजीएसटी में कौन कौन से टैक्स शामिल हुए? सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सीबीडी, सर्विस टैक्स, सरचार्जेस एंड आरसेस, ये सीजीएसटी में शामिल हो गए। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एसजीएसटी में कौन कौन शामिल हुआ? वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, गुड्स एंड पैसेंजर टैक्स, टैक्स ऑन व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, रियल एस्टेट, एक्सेट्रा। आईजीएसटी में सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स, सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स आईजीएसटी में शामिल है, लेकिन ये तभी इंप्लीमेंट होगा जब आप व्यापार एक राज्य दूसरे राज्य में कर रहा है, व्यापार यानी प्रोड्यूस हो रहा है किसी राज्य में और जा रहा है किसी और राज्य में। एक वीडियो है, वीडियो को कैसे काम करेगा, वीडियो को मैं सबसे लास्ट में सारे वीडियो को चलाऊंगा, तो अभी आप सिर्फ इसके बारे में समझ लीजिए, वीडियो सबसे लास्ट में, इस पर कितना टैक्स है, इस पर कितना टैक्स है, ये आप देख लीजिए। जीएसटी की पांच रेट हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% टैक्स, यहां ध्यान देने वाली बात है, केंद्र सरकार ने 0% टैक्स को लगाया है, या तो टैक्स ना ही लगाती, तो 0% टैक्स लगाने का मतलब ही क्या है? 0% टैक्स लगाने का मतलब यह है कि एटलीस्ट आज की डेट में आप ये इसेंशियल गुड्स हैं जो सामान्य जन हमेशा अपनी डेली रूटीन की लाइफ में प्रयोग करते हैं, इसेंशियल गुड्स पर 0% का टैक्स लगा है। लेकिन सरकार ने यह कहा कि अब अगर आप इसका जब रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन रिटर्न फाइल तो करेंगे आप, जब रिटर्न फाइल करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कितना आपने सेल किया है ये पता चलेगा, और अगर ये पता चलेगा तो जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट होगा, लेकिन कहीं थोड़ी ही टाइम इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। जब आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स पता चल गया तो उससे होने वाली इनकम भी तो पता चल गई, तो आप इनकम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, इसलिए ये 0% है। सो दैट यू शुड बी कंपेल, यू विल बी कंपेल टू टेल द वॉल्यूम ऑफ योर सेल्स, और जब वॉल्यूम ऑफ सेल्स पता चल गया तो आप इनकम टैक्स एग्जम्प्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यापारी जीएसटी भी देता है और इनकम टैक्स भी पेमेंट करता है, आप ये जान लीजिए कि इनकम टैक्स भी उसे देना पड़ता है। तो जीएसटी 0% किन किन चीजों पर लगा है, इसमें खास करके आपको बता दें, अनपैकेज फूड ग्रेन्स, फ्रेश वेजिटेबल, अनब्रांडेड आटा, अनब्रांडेड मैदा, अनब्रांडेड बेसन, गुड़, मिल्क, एग्स, कर्ड, दही, लस्सी, अनपैकेज पनीर, अगर पैकेजिंग में आएगी पनीर तो 5% जीएसटी है, अगर अनपैक्ड है तो 0%। अनब्रांडेड नेचुरल हनी, शहद, लेकिन अगर डाबर का साथ खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी है। प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं जो, जैसे आप वो हाँ रामलाला जो क्या खरीद रहे हो, नमक, लड़कियों के लिए है काजल, काजल पर भी जीएसटी 0% है, फूल भरी झाड़ू, सरकार मार खाने के डर से बच गए, चिल्ड्रंस ड्रॉइंग एंड कलरिंग बुक्स, एजुकेशन सर्विस एंड हेल्थ सर्विस, इसीलिए सरकार ने फूल भरी झाड़ू हटा दिया। 5% में कौन कौन सी है, शुगर, टी, रोस्टेड कॉफी, बीन्स, एडिबल ऑयल्स, स्किप्ड मिल्क पाउडर, मिल्क फूड फॉर बेबीज, पैक्ड पनीर, कैश नट्स, रैसिन, पीडीएस केरोसिन, पीडीएस जो ऐसी केरोसिन जो मार्केट में बेची जाती है उस पर नहीं, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो बेची जाती है, यानी जिसके लिए कोटा है,
जिसके लिए कोटा है उसकी बात की जा रही पीडीएस केरोसिन की, डोमेस्टिक एलपीजी फूड बियर 500 रुपए तक, अपैरल 1000 रुपए तक, अगरबत्ती क्वायरमेंट्स मैटिंग एंड फ्लोर कवरिंग 5% में है, 12% में बटर घी आलमंड फ्रूट जूस आलमंड बादाम फ्रूट जूस जैम डेली अम्ब्रेला मोबाइल पैक कोकोनट वाटर प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स नट्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग पिकल मुरब्बा एंड चटनी 18% में। आपको ये बता दें, आपको ये बता दें कि इसके पहले 128 प्रोडक्ट ऐसे थे जो 28% के ब्रैकेट में आते थे। सरकार ने उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स या जरूरी प्रोडक्ट्स थे उनको अब 18% में ला दिया। अभी अपनी स्लाइड में है वो 18% ब्रैकेट में ला दिया और 28% के ब्रैकेट में आप केवल 50 प्रोडक्ट्स ही बचे हैं। और 50 प्रोडक्ट्स वे प्रोडक्ट हैं जो लग्जरियस आइटम्स में माने जाते हैं, जिनका जिनको हम मानते हैं कि जनरली लग्जरी आइटम्स हैं। फोर मेंबर हाउसहोल्ड विद टू किड्स, अगर दो बच्चों के साथ पत्नी है तो उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा जीएसटी का, इसका एक कैलकुलेशन किया गया था। एक ग्लिम्स दे लीजिए, यानी अगर वो टोटल 41,167 खर्च कर रहे हैं, 41,250 रुपए का अमाउंट है, तो जीएसटी के लागू होने के बाद 41,737 रुपए खर्च करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट ना हो तो बंद कर दें। द जीएसटी काउंसिल इन इट्स नवंबर मीटिंग लास्ट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन गुवाहाटी टून द नंबर ऑफ आइटम्स अंडर द 28% टैक्स लैग टू ओनली 50 फ्रॉम 228 आइटम्स। 228 आइटम्स में से वो घटा करके आप सरकार ने इसको 50 प्रोडक्ट पर ला दिया है, यानी उन सारे प्रोडक्ट्स को उठा करके अब 18% के ब्रैकेट टैक्स ब्रैकेट में कर दिया है। ऑन नवंबर 10, 2017 द जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय मिस्टर जेटली अरुण जेटली लोअर्ड जीएसटी रेट्स इन ओवर 200 आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम च्युइंग गम टू चॉकलेट्स टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स विक्स एंड रिस्ट वॉचेस कलाई घड़ी विक्स जो हेयर विक्स आप लगाते हैं। Nearly 178 items of daily use were shifted from the top tax bracket to 28% to 18% and uniform 5% tax was applied for both air condition and non-air condition restaurant. Restaurant पर अभी तक आप जो देते थे वो VAT और सर्विस चार्ज दोनों देते थे, लेकिन अब एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर आपको सिर्फ जीएसटी देना है वो भी 18% का, और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर आपको 5% का जीएसटी देना है। अब इस जीएसटी में 2.5% यानी 2.5% विल बी जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड 18% 2.5% विल बी जीएसटी। 18% वाले टैक्स ब्रैकेट में 9% विल गो टू द सीजीएसटी एंड 9% विल गो टू द एसजीएसटी। जीएसटी रेट रिवीजन इन 28th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, 28th जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 21st जुलाई 2018, 29th जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 4th अगस्त 2018 इन न्यू दिल्ली पीयूष गोयल। उस समय अरुण जेटली जी की तबियत खराब थी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो इसलिए पीयूष गोयल को चार्ज दिया गया था एंड ही हेडेड द मीटिंग। तो उसके लिए अब हम आपको
एक वीडियो दिखा दें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो सिर्फ एक टैक्स रहेगी जिसका नाम है जीएसटी। अब पर और जीएसटी में आपको हर लेवल इनकम टैक्स क्रेडिट के बारे में हमने बात किया था, कैसे होता है आप देख लीजिए। पता है दो मिनट में कि हर बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ इनपुट्स खरीदता है। इनकम टैक्स क्रेडिट खरीदते समय वो इन इनपुट्स पे टैक्स देता है। मान लीजिए कि हमने अपने बिजनेस में इनपुट्स के तौर पर ₹100 का कुछ सामान खरीदा और इस ₹100 में हमने ₹10 जो है वो टैक्सेस पे की है, तो ये ₹10 जो है इसे हम इनपुट टैक्स कहेंगे। और इसी ₹100 के इनपुट को हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आगे सेल की, सेल करने के समय हमने इसकी प्राइस रखी ₹200 और 200 में हमने ₹20 टैक्स चार्ज की। फाइनल प्राइस टू कंज्यूमर है ₹220, तो ये ₹20 जो है इसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो जनरली क्या होता है कि ये टैक्स जो हमने इनपुट टैक्स पे किया वो किसी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया
और ये आउटपुट टैक्स जो है वो भी हमें किसी गवर्नमेंट को ही पे करना है, क्योंकि टैक्सेस तो गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। अब अगर ये इनपुट टैक्स हमने जिस गवर्नमेंट को पे किया है और ये आउटपुट टैक्स भी हमें उसी गवर्नमेंट को अगर पे करना है तो हमें इस 10 रुपीज़ की क्रेडिट मिल जाएगी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। मान लीजिए आप जो बिजनेसमैन हैं, आप वेस्ट बंगाल में बेस्ड हैं और आपने जो इनपुट्स खरीदी वो भी वेस्ट बंगाल से ही खरीदी, मतलब ये जो इनपुट टैक्स आपने पे की ये गई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के पॉकेट में। और आप जो ये सेल कर रहे हैं, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल में बेस्ड हैं और वेस्ट बंगाल में सेल कर रहे हैं, तो ये आउटपुट टैक्स भी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के पास ही जाएगा। तो आप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से कह सकते हैं कि देखिए मेरी सेल के ऊपर 20 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी है, पर जब मैंने इनपुट्स खरीदा था तब मैंने उस पर 10 रुपये टैक्स ऑलरेडी दे दिए थे, तो आप मुझे इस 10 रुपये जो टैक्स मैंने पहले पे कर चुका हूँ उसकी क्रेडिट दे दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कहेगी कि अच्छा ठीक है, मैं आपको क्रेडिट दे देता हूँ। तो इस केस में जहाँ पे इनपुट टैक्स का कलेक्टर और आउटपुट टैक्स का कलेक्टर सेम है, वहाँ पे तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट अभी भी मिल जाता है। लेकिन बाई चांस आप मान लीजिए कि आपने ये इनपुट्स वेस्ट बंगाल से ना खरीद के आसाम से खरीदा, तो ये जो इनपुट टैक्स है जो आपने पे किया था ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के पास नहीं जाएगी, ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम के पास जाएगी। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं जो वेस्ट बंगाल में बेस्ड हैं, तो जब आप सेल करेंगे उस पर जो सेल्स टैक्स होगी, आउटपुट टैक्स होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के पास ही जाएगी। क्योंकि आप जो है वो वेस्ट बंगाल में बिजनेस कर रहे हैं, आपने चाहे इनपुट आसाम से ही क्यों ना खरीदा हो या किसी और स्टेट से खरीदा हो, पर जब आप सेल करेंगे तो वो सेल जो है वो वेस्ट बंगाल में हुई है और उसमें अराइज होने वाला जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लेगी। तो इस केस में अगर आप जाके इससे कहते हैं कि देखो भैया मुझे तो तुमको 20 रुपये टैक्स देने हैं, पर मैंने पहले ही अपने इनपुट पे 10 रुपये टैक्स दे चुका हूँ, तो आप मुझे इसका क्रेडिट दे दो, तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आपसे कहेगी कि नहीं भैया इसका क्रेडिट तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपने ये जो 10 रुपये टैक्स दिए थे ये मुझे नहीं दिए थे, आपने गवर्नमेंट ऑफ आसाम को दिए थे, तो इसलिए मैं इसकी क्रेडिट आपको नहीं दे सकता। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें अगर आपका इनपुट टैक्स का कलेक्टर और आउटपुट टैक्स का कलेक्टर सेम हो तो ही आपको क्रेडिट मिलती है, पर अगर आपका इनपुट टैक्स का कलेक्टर और आउटपुट टैक्स का कलेक्टर जो है वो दो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, या तो दो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और या एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो आपको उस समय इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ITC उसे कहते हैं शॉर्ट में, वो नहीं मिलेगी। तो ये अभी हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जो है वो अपने इनपुट पे पे की गई टैक्सेस की क्रेडिट नहीं ले पाते हैं, और इस कारण से जो प्रोडक्ट्स होती है फाइनल प्रोडक्ट्स, उनकी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो जाती है और आपको टैक्स ऑन टैक्स देखने को मिलता है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। GST में जो होगा वो हर केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, चाहे वो टैक्स किसी ने भी कलेक्ट की हो, आपको अपने हर इनपुट पे जो आपने टैक्स पे किया है उसकी क्रेडिट मिलेगी, और उसके चलते आपकी जो गुड्स की जो कॉस्ट है वो ओवरऑल कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। आपको बता दें थोड़ा सा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी चाहे वो टैक्स किसी ने भी कलेक्ट, ये जो कह रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी जब GST रिज्यूम लागू हो जाएगा, तो जब आसाम से आप सामान खरीदेंगे और वेस्ट बंगाल में बेचेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST यहाँ लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इनपुट टैक्स क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आपको, उस समय आसाम गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं देंगे, बल्कि कौन देगा, यहाँ IGST लगेगा और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी अगर आपने 200 रुपए का कच्चा माल खरीदा और 20 रुपए टैक्स चुकाया और 10 रुपए कच्चा माल पर आप पहले पे कर चुके हैं, यहाँ टैक्स आपको सिर्फ 10 ही रुपए देना है, क्योंकि 10 रुपया वो आपको जब GST का आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो 10 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। एक वीडियो और है उसको भी जरा देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाएंगे। क्योंकि GST को दबाना और आपको सर्विस टैक्स भी चुकाना होता है के तहत
सिर्फ 18% टैक्स देने से ये सामान आप काफी कम दामों पर खरीद पाएंगे। देश भर में माल ढुलाई करीब 20% तक सस्ती हो जाएगी। बताएं कि दुनिया के करीब 165 देशों में जीएसटी की व्यवस्था लागू है, यानी इन देशों में भारत की तरह वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते। और अगर भारत में ही अगर जीएसटी लागू होता है तो भारत दुनिया का 166वां ऐसा देश होगा। न्यूजीलैंड में 15%, ऑस्ट्रेलिया में 10%, फ्रांस में 19.6%, जर्मनी में 19%, स्वीडन और डेनमार्क में 25%, और यहां तक कि पाकिस्तान में भी 18% की दर से जीएसटी आज भी लागू है। जीएसटी से पहले भारत के टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव वर्ष 2005 में किया गया था, जब सेल्स टैक्स को वैट में यानी VAT में बदल दिया गया था। वैट की मदद से अलग अलग चरणों में लगने वाले टैक्सेस को कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वैट भी टैक्स पर टैक्स लगाने वाली व्यवस्था का अंत नहीं कर पाया। वैट उन वस्तुओं पर भी लगता है जिनके लिए एक्साइज ड्यूटी चुका दी गई है, यानी आम लोगों को टैक्स पर भी अलग से टैक्स देना पड़ता है। भारत में टैक्स की वर्तमान व्यवस्था के तहत देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि ये सामान जब